तो प्रधानमंत्री किसान योजना की अगली किस्त जारी कर दी गई है और इस योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर की गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, लाभार्थियों को किस तरीके से सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे 21,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए। बहुत सारे किसान हैं मेरे साथ में जिनको यहाँ सभा स्थल तक लेकर आया गया था। इनमें से हम पूछ रहे हैं, आखिर आपका पैसा आया है? जी जी। हाँ। क्या जरा दिखाइए, क्या मोबाइल पर मैसेज क्या आया है? आ गया है? हाँ। जी आ गया है। आ गया है, जरा दिखाना। बिलोरी क्या है? हाँ, बिलोरी क्या दिखाइए। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है मैसेज आया हुआ है इस पे कि पीएम किसान सम्मान निधि 2,000 रुपए क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डीबीटी का बटन दबाया और देश के 9 करोड़ किसान परिवारों के खाते में देखते ही देखते 21,000 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर हो गई। आप सभी किसान भाइयों को बता दें, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए की धनराशि किसानों के खाते में जारी करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्र की मोदी सरकार पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली धनराशि 6,000 की धनराशि को बढ़ाकर जाने जा रही है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि में बढ़ोतरी कर सकती है, यानी कि किसानों को 6,000 की जगह 8,000 रुपए केंद्र की मोदी सरकार जारी करेगी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए देश के 12 करोड़ किसान भाइयों को EKYC कराना पड़ेगा। जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी अपना EKYC अपडेट नहीं कराया है, उनके खाते में पीएम किसान योजना की 16वीं और 17वीं किस्त का पैसा नहीं दिया गया है। और अगर आप अपना EKYC का वेरिफिकेशन, भूलेख सत्यापन और अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करा लेते हैं, तो आपको केंद्र की मोदी सरकार एक साथ जितनी भी किस्तें आपकी छूटी है यानी कि बकाया है, उन सभी किस्तों का पैसा ट्रांसफर करेगी। यानी कि जैसे ही आपका अपडेट होगा, वैसे ही आपकी 16वीं और 17वीं किस्त का पैसा एक साथ 4,000 रुपए मोदी सरकार जारी करेगी। जैसे आज अपना ये अपडेट कराते तो आज ही आपको पैसा मिल जाएगा। उसी के साथ ही अगर आपको पीएम किसान योजना में कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी आ रही है, तो आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 1556 पर कॉल करके भी अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। धन्यवाद।